करण। हाँ मैं मार्केट जा रहा हूँ दिवाली के लिए शॉपिंग करने, तेरे को अगर कुछ पटाखे मंगाने हैं तो बता। नहीं, इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं पटाखे नहीं फोड़ूँ। लेकिन क्यों नहीं फोड़ेगा? क्योंकि इससे बहुत प्रदूषण फैलता है और ये मैसेज हमें सबको देना चाहिए। तो इस दिवाली तू पटाखे नहीं फोड़ेगा तो फिर क्या करेगा? बम फोड़ूंगा। तो क्या बम से प्रदूषण नहीं फैलता? प्रदूषण तो फैलेगा, लेकिन बम के धुएं से डेंगू मच्छर भी तो मरेंगे। नुकसान के साथ साथ फायदा भी होगा और ये मैसेज भी हमें सबको देना चाहिए। चल फिर बता, तेरे लिए कुछ लाना है? नहीं, तू अपने लिए लिया, मैं अपने लिए खुद ले आऊंगा। चल फिर जैसी तेरी मर्जी। मुझे पता है सबसे अच्छी क्वालिटी के बम कहाँ मिलेंगे। चल निकाल, क्या लेके आया तू? ये देख। इतना छोटा सा बम। अब तू देख, जो मैं बम खरीद के लाया हूँ ना, सीधे दिवाली लूट से खरीद के लेके आया हूँ। दिवाली लूट मतलब? हाँ, लूट मचा रखी है सभी दुकान वालों ने। कईयों ने तो लिख भी रखा था इससे ज्यादा लूट और कहीं नहीं है? ये देख अब तू। तुझसे कितना बड़ा बम है, इस बम के आगे तेरे बम की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। मुझे पता था तू हर बार की तरह इस बार भी मेरे से बड़ा ही बम लाएगा, लेकिन इस बार मैं सीधे बम की फैक्ट्री से बनवा के लाया हूँ बम। ये देख। इतना बड़ा बम, ये बेकार है तेरे बम के आगे, इनकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। चल फोड़ते हैं इसे। हाँ चल। और निकाल बम। और निकालूं? यही तो लाया था मैं बस। अरे तो यही क्यों लेके आया, और लिया था? अरे क्योंकि मेरे बॉस ने दिवाली का बोनस मुझे इतना ही दिया था। अच्छा तो कितने का था बम? ये 100 रुपए का था। अच्छा 2 रुपए का था, तो मेरे लिए भी लिया था। अरे 2 रुपए नहीं, 100 रुपए का था। है? इसका मतलब तेरे बॉस ने तेरे को सिर्फ 100 रुपए ही बोनस दिया? हाँ, वो एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस इंसान है। अच्छा वो कंजूस तो है, लेकिन मक्खी चूस कैसे है? हाँ, जैसे उसके चाय में कभी मक्खी गिर जाती है ना, तो वो उसे निकालता है, फिर चूस के फिर फेंक देता है। ये सच में ही बहुत मक्खी चूस है। हाँ, अच्छा तो तू बता तेरे बॉस ने तेरे को क्या दिया? अरे मत पूछ यार। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, नहीं पूछता। अरे ये कहने की बात है, मत पूछ, बताता हूँ ना मैं तेरे को। चल फिर ठीक है, बता। इस बार मेरे बॉस ने मेरे से खुद बोनस ले लिया। क्यों, तेरे से क्यों लिया? आधे महीने में जॉब पे नहीं गया, उसने आधी सैलरी काट ली मेरी। अच्छा। हाँ अच्छा, तो अब हम दोनों के पास पैसे नहीं है, बता अब क्या करेंगे? लगता है तू भूल गया, मेरे को बोनस के साथ सैलरी भी तो मिली है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। कितनी है तेरी सैलरी? 100 रुपए। क्या, इतने में तो एक ही बम आएगा 100 रुपए वाला? हाँ ये तो है। मेरे पास एक आइडिया है, इस बार हम 100 रुपए वाला बम नहीं, रॉकेट लेके आएंगे। बात तो एक ही है, वो भी तो एक ही आएगा। हाँ लेकिन रॉकेट में ज्यादा मजा है। हाँ ये तो सही कह रहा। चल फिर लाते हैं। चल चल जलाई से। रुक जा, ये बहुत बड़ा रॉकेट है, हम इसे रियल रॉकेट की तरह उड़ाएंगे। हाँ चल ठीक है, तू काउंटडाउन चालू करियो। ठीक है। हाँ ठीक है। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। देखा क्या रॉकेट था मेरा? हाँ चलो और लेके आते हैं। है? अब कहाँ से लाएगा, अब तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तू भूल गया मैंने तेरे से 100 रुपए लिए थे, वो कब दूंगा मैं तेरे को? ऐसा बंदा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपने उधार लिए हुए पैसे खुद याद दिला रहा। चल फिर ला मेरे पैसे दे। अरे यार तेरे को तो पता ही है मेरे बॉस ने मेरी सैलरी काट ली है। अरे तो तू ही तो मेरे को याद दिला रहा है मेरे पैसे। इस बात को याद दिला के मैं तो ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना ईमानदार हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। हाँ चल मान लिया मैंने कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार तू ही है, लेकिन ईमानदारी है तो बता बम खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? ईमानदारी से बैंक में डाका डाल के। दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक करके देखो हमारी बिहाइंड द सीन वीडियो, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस दिवाली आप कौन से पटाखे फोड़ने वाले हो, 10 वाले, 20 वाले या 100 वाले?